होता है, देखो पॉइंट, ठीक है, वहाँ पे पकड़ के फिर आराम से टेंट में बैठ के इसको पुल करना है इस तरह से, ठीक है, और उस किट को अपने टेंट में रखना है अंदर, मॉर्निंग में आपको पैक करना है इसलिए। उसके बाद आपको स्लीपिंग बैग लेआउट करना है इस तरह से, ओके, और उसके बाद एक लाइनर मिलेगी आपको, मेरे को लगता है आज की दिन शायद लाइनर की जरूरत नहीं है, आज का जो नाइट है कल तो जरूरत पड़ेगी। जय श्री राम। आपने क्या करना है, जिप को हाफ ओपन करना है, ठीक है, फुल नहीं करना नीचे तक पैर तक, अगर आपने फुल किया ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको ऊपर पुल करते हुए, जिप को हाफ ओपन करना है। उसके बाद इस तरह से लेआउट किया, जिप को हाफ ओपन किया, उसके बाद लाइनर में जाना है, पहले लाइनर के अंदर जाना, पूरा लाइनर को पूरा अपने बॉडी में लेना है ऊपर तक, आपका पैर पूरा बॉटम तक पहुंचना चाहिए नीचे, ठीक है। उसके बाद लाइनर को जिप को जिप अप करना है, उसके बाद आपको स्लीपिंग बैग के अंदर जाना है, ठीक है, इसमें भी आपका पैर पूरा बॉटम तक जाना चाहिए यहाँ पे, देखो लाइनर में भी एक कैप बना होता है, देखो लाइनर में यहाँ पे देखो पीछे कैप होता है बना हुआ, ये देखो ये आपने अपने हेड पे रखना इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद स्लीपिंग बैग में भी एक कैप बना होता है पीछे, देखो स्लीपिंग बैग में ठीक है, इस तरह से आपने होल्ड करना और जिप को पूरा जिप अप करना है, उसके बाद ये स्ट्रैप लगा देना आपने, ठीक है, इस तरह से, क्लियर, इस तरह से सोएंगे सब। और जो आपका फेस है, जो आपका फेस है वो ओपन रहना चाहिए, कोई भी फेस कवर नहीं करेगा इस तरह से, कोई किसी की आदत होती है फेस कवर करने की, कोई फेस कवर नहीं करेगा क्योंकि इसमें एयर पास नहीं होगी, अंदर एयर पास नहीं होगी तो सुबह कुछ और मिलेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल ओपन रहना चाहिए। किसी को लग रहा है रात को मुझे ठंड हो रही है, कुछ भी हो रही है, जो भी आपके पास वूलन क्लोथ है, वूलन टी शर्ट कुछ भी है, उसको अपने फेस के ऊपर रखना है क्योंकि उससे एयर पास हो जाती है आराम, ठीक है, अगर आपको लग रहा मुझे बहुत कोल्ड हो रहा फेस में, लेकिन इससे कभी नहीं करना है बंद, क्लियर, आपका फेस इतना ओपन होना चाहिए, क्लियर, हाँ, क्या बोल रहे थे, ऐसे कोई कैद करके ले जाता है ना, ऐसे लगता है, ओके, तो नेक्स्ट है जब आप ओके अभी क्या करना है, आपको हर टेंट में दो तो होंगे होंगे मिनिमम, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर जिप नहीं किसी का ऊपर हो रहा है तो दूसरा हेल्प कर सकता है उसका जिप अप करने के लिए, ठीक है, मॉर्निंग में जब उठोगे तो इस तरह से जिप को डाउन करना पहले थोड़ा सा, अगर आप बिना जिप डाउन होके निकल रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, आप निकल ही नहीं पाओगे, आपको पूरा रोल होना पड़ेगा, थोड़ा सा जिप डाउन करोगे तो आराम से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है, जैसे जिप डाउन कर दिया, पहले स्लीपिंग बैग का जिप डाउन करना, उसके बाद लाइनर का, ठीक है, उसके बाद आपने बाहर आना है, क्लियर। और स्लीपिंग बैग का ये सिस्टम होता है, अगर एक बार स्लीपिंग बैग में गए तो सुबह तक निकलो मत, अगर आप स्लीपिंग में बार बार अप एंड अंदर बार करें तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप देख रहे कितना मतलब अंदर जाना कितना प्रॉब्लम होता है, बेस कैंप पे बर्फ होगी, हाँ अभी पैचेस होंगे आपके, ओके, तो नेक्स्ट है आपका, आपने फोल्ड कैसे करना है, इसको पैक कैसे करना है, ठीक है, लाइनर पैक करना है, सबसे पहले लाइनर आपने प्रॉपर आपने चेक करना स्लीपिंग बैग, जैसे आपका बाहर निकल गया आप अपना स्लीपिंग बैग चेक करना, चेक कैसे करते हैं, बॉटम से होल्ड करना है और इस तरह से करना है, कुछ भी होगा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आपने कहाँ कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे, कई बार क्या होता है यहाँ से आके यहाँ अटक जाता है कैप में, इसके कैप में, तो कैप को एक बार चेक करना है इस तरह से, उसके बाद इसको प्रॉपर इस तरह से लेआउट करना है, और उसके बाद लाइनर को भी चेक करना है आपने, और लाइनर को फोल्ड करना है, देखो लाइनर को कैसे फोल्ड करना आपने, ओके गाइस, पहले आपने हाफ फोल्ड कर देना है, ठीक है, देन इसका हाफ से थोड़ा कम क्वार्टर फोल्ड, देन इसको आपने उल्टा करना है, ठीक है, लाइक दिस, देन यहां से इसे रोल कर देंगे, ये आपको लाइन मिलेगी इसमें, इसको आपने बैक रोल कर देना, इसको बोलते हैं ग्रेंजर रोल,
रेंजर हो। लाइनर फोल्ड करना आ गया सबको, इसको नहीं आया तो फिर दूसरी बार बताएंगे। हाँ, एक बार और बता दो, ध्यान से देखो है कैसे फोल्ड करना है। पहले आपने इसको हाफ फोल्ड कर देना है, ठीक है? सबको दिख रहा है? अब इसका कैप वाला साइड पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है? जो आपका मतलब ये आएगा ना कैप बनेगा वो इस साइड आएगा, एंड इसको काइंड ऑफ टी बना देना है इधर की तरफ से। देन जिधर की तरफ से आपका टी बनाया ना, इस साइड को आपने ऊपर रखना है एंड उसी साइड से रोल करना है। देन ये आपको ये लाइन मिलेगी, इसको आपने बैक रोल कर देना। जब करोगे आप तो तब आपको समझ में आएगा, ऐसे देख के तो ज्यादा नहीं आता। प्रैक्टिस करना है टेंट में बैठ कर आराम से, ठीक है? जैसे आप रक्सेक भी पैक करते हैं तो उसमें अपने क्लोथ्स वगैरह भी आप ऐसे ही पैक कर सकते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। क्लियर? मॉर्निंग में आपको आपके हर एक टेंट से ऐसी पैक होनी चाहिए, और उसके बाद स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग जब भी आप पैक करते हो, कहाँ से पैक करते हो उसको? स्टार्ट बॉटम से, ठीक है? अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया हेड से, तो क्या होगा, पूरा एयर यहाँ आ जाएगी, यहाँ से एयर बाहर नहीं जाएगी तो स्लीपिंग बैग इसके अंदर ही नहीं आएगा, फिर आप पूरा जोर लगा रहे नहीं जा रहा स्लीपिंग बैग, ठीक है? आपने बॉटम से होल्ड करना, इसमें कोई ज्यादा वो रूल्स नहीं है कुछ की कैसे फोल्ड करना, ऐसे फोल्ड करना, इसको सिंपली बॉटम से होल्ड करना है, ठीक है? और इस तरह से होल्ड करने के बाद इसको अंदर डालना, स्टार्ट करना है बॉटम से। इसमें आपको थोड़ा सा लगेगा मैन पावर, ठीक है, जो लगती है। ये आपका मॉर्निंग का वार्म अप होगा, जैसे आप उठते हो, जैसे आप स्लीपिंग बैग से बाहर आते हो तो सबसे पहला काम ये होगा आपका कि स्लीपिंग बैग पैक हो जाए आपका, ठीक है? ब्रेकफास्ट के बाद स्लीपिंग बैग पैक नहीं करना तब कर नहीं पाओगे, तो खाना खाया होगा फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि उसके स्लीपिंग बैग में बहुत स्पेस है तो, या वो अच्छे से पैक कर रहा है, अच्छे से पैक करोगे तो बहुत स्पेस बन जाता है स्लीपिंग बैग में, तो उस लाइनर को भी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने डाउन करना है, यहाँ पे सेम हाफ इंच, हाफ इंच कैसे माना, हल्का बेंड करना है, फिर लूप को अंदर पास करना है, इस तरह से इसको मारना है। क्लियर हो गया? क्लियर सबको? ओके, अभी नेक्स्ट है आपका टेप। इतना ऐसे इतना इतना मोटा होता है वो, और ऐसी सेम रूफ की तरह होता है लंबा, ठीक है? उसको टेप से लगाओ। ओके, रूफ के बारे में सबको पता चल गया कुछ? किसी को कोई क्वेश्चन? मैं भी बेसिक बता रहा हूँ जो हमारा ट्रैक पे यूज होता है, एक्सपेडिशन में नहीं जाते, ठीक है? क्योंकि वो फिर लेक्चर इतने ज्यादा लंबे लंबे हो जाएंगे, बेसिक कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। हां, कंफ्यूजन भी हो जाएगा, बेसिक चीजें। मैं पूछने वाला था सेंटर कैसे वो करता होगा, इसको बोलते हैं क्या? कैरा बाइटर, कैरा बाइटर। इसको हुक भी बोलते हैं कई लोग, मैंने देखा है, हुक हुक चाबी का छल्ला, ठीक है? तो ये माउंटेनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका इक्विपमेंट है। तो जैसे ये रोप है ना सर, अभी रोप का एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, हर चीज का एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है ना, तो इस रोप का भी अपना एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, तो उसको हम डिनोट करते हैं आपका केएन में। केएन आपको पता है? किलोन्यूटन। तो हाँ, मतलब थोड़ा सा साइंस, थोड़ी हल्की सी साइंस है, तो केएन से आप किलोन्यूटन। जैसे इस रोप का आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा वो होगा कम से कम 12 किलोन्यूटन। 12 किलोन्यूटन मतलब 1200 kg। तो 1200 केजी का मतलब ये नहीं कि 1200 केजी वेट उठाएगा, 1200 केजी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 120 केजी का बंदा उठाया और 60 फीट से फॉल हुआ, और जो उस पर जर्क आएगा ना वो 1200 केजी का होगा, तो उतना वो लोड ले सकता है 1200 केजी तक का, ठीक है? वैसी सेम इस कैराबाइनर के साथ है। कैराबाइनर दो तरीके के होते हैं, मेरे पास अभी एक ही कैराबाइनर है, गेट कैराबाइनर, ठीक है? वैसे बहुत तरीके के होते हैं, शेप वाइज होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको नॉर्मल उसमें बता रहा हूँ। ये जैसे इसमें गेट है ना, तो दिस इज योर गेट कैराबाइनर, और एक आपका ओपन गेट कैराबाइनर होता है, उसमें गेट नहीं होता है, उसमें मतलब जैसे अभी इसमें तो गेट है ना, ये नॉर्मल ऐसे लग रहा है, उसमें गेट नहीं होगा ही नहीं, ठीक है? वो सिर्फ आपका ऐसे खुलेगा, ऐसे लग जाएगा। तो इसका भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, इसमें लिखा रहता है इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ,
इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऐसे में ऐसे में, अगर आप ऐसे में झूल रहे हो तो डेट इज 25 kN, 2500 kN, 25 kN, यानी 2500 kg, ठीक है, 2500 kg तक का वेट ले सकते हैं। अगर ये ऐसे में रो तो इसका है फिर 10, ठीक है। अगर इसका गेट खुला हुआ है, अगर इसका गेट खुला हुआ है तो फिर कितना है, 700 kg तक का झटका ये ले लेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। अभी हमारे पास एक छोटा वाला भी है, तो छोटे वाले का ऐसे में 22 है, ओपन गेट के साथ 8 है, और ऐसे में भी 8 है, क्लियर। एक ये स्ट्रेचेबल भी आपको जो दिख रहा है ना, वो ये आपका आईसेक्स का लूप है, मेरा जो मेरी आईसेक्स है उसका लूप है ये। तो उसमें क्या करते हैं, कल आईसेक्स भी देते हो? हाँ, कल आईसेक्स नहीं, नहीं सर, आपको नहीं दी जाएगी, हमारे पास सुपर। तो एक ही आपके साथ सेल्फ एंकर होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी हार्नेस होती है, सीट हार्नेस सबने देखी होगी, जैसे बंजी के टाइम पे पहनाते हैं, वैसे एक सीट हार्नेस होती है। तो मान लो ये मेरी सीट हार्नेस है, एक मैंने इस पे डाला, ठीक है, और जो ये वाला लूप है ना, इसका ये वाला लूप ये आईसेक्स में जाएगा, फिर आपकी आईसेक्स कितनी आ जाएगी, आपके हेट पे आ जाएगी। आईसेक्स की बेसिकली हाइट इतनी रखते हैं, लेकिन वो इधर पे हमारा उतना टेक्निकल है नहीं, कहीं आइस क्लाइम है नहीं, तो इधर पे आईसेक्स का जो मेन रोल होता है वो कहीं से किसी को पहले देना नीचे की तरफ, या कुछ और चीजें छोटी मोटी चीजें होती है रूप ओपनिंग के लिए हेल्प हो सकती है, वो चीज है। अभी इसका तीनों जो मैंने आपको चीजें दिखाई, उसका एक बार कोई नाम बताएगा सब चीजों का? ओके, स्टैटिक रोप, डायनेमिक रोप, ठीक है। ये कौन सा रोप है? स्टैटिक, स्टैटिक रोप है। और ये कौन सा रोप? डायनेमिक रोप है। कौन सा ये वाला, कौन सा सूप लग गया, चलो सूप।